बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हेलो भैया जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं अभिनय श्रीवाड़ी स्वागत करता हूं फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। बागेश्वर धाम, हालांकि हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग काफी ज्यादा उससे परिचय होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बताएं जितना उतना काम है, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग में बागेश्वर धाम महाराज की तो आपने काफी सारी वीडियो यूट्यूब में देखी होगी। तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं, आपको वहाँ का लाइव दर्शन दिखाने वाले हैं कि आखिर वहाँ है क्या और कैसे बाई रोड अपन कैसे चलेंगे। ये कोई नहीं, कंटिन्यू अब वीडियो बने रही, हम लेके चलते हैं। तो अपन लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से घर से, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते सारा कुछ भी। तो चलिए चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग दोस्त, आज हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम और साथ में जाएंगे हमारे मित्र अभिनेश और जीजा जी। तो अभी हम सब घर से निकलने वाले हैं, जैसे ही आगे जाते जाएंगे हम आपको वहां का दृश्य दिखाएंगे। यहां से पन्ना और फिर पन्ना से जाएंगे बागेश्वर धाम। कहां रूट कैसा है सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद। सो भैया जी, हम आ चुके हैं हाईवे पे और चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। तो अभी हम पन्ना और सतना हाईवे पे हैं, तो यहाँ से काफ़ी टाइम लग सकता है, बट करते हैं वेट, क्योंकि अपने को पहुँचना भी है, क्योंकि आज ग्रहण पड़ने वाला है, तो वो बोलते हैं पट बंद हो जाएगा, इसलिए अपन करते हैं वेट और चलते हैं फटाफट, ताकि टाइम से अपन लोग पहुँच जाएँ और आपको रास्ते के सारा जो भी व्यू देखने को मिलेगा वो सारा कुछ हम दिखाते चलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो भैया जी, हम लोग हाईवे पे हैं और निकल आए हैं रूम से और देखते हैं कि कितना टाइम अब लगेगा। कम से कम 1 घंटे लग सकते हैं और क्या, थोड़ी गाड़ी की हवा ऐसे मेरे को लगा कि कम है, तो अपन लोग चेक कर रहे थे, तो हवा वा एकदम से ओके है। अब अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बाकी बाई रोड आपको रास्ते का सारा कुछ भी दिखाते चलेंगे। सो भैया जी, हम पहुंच चुके हैं देवेंद्र नगर के आगे और यहाँ से समथिंग पन्ना की दूरी 14 किलोमीटर है और हम लोग रास्ते पे जा रहे थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना बालाजी के दरबार पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा दर्शन कर लिया जाए। तो यहाँ बजरंगबली का एक बहुत अच्छा मंदिर है संकटमोचन हनुमान का, तो रास्ते पर पड़ता है, आप जब भी जाएंगे तो पन्ना और सतना हाईवे पर मिलेगा आपको, जो कि पन्ना से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो दोस्तों, क्या है कि मैं सोचा कि क्यों यहाँ को आपको दर्शन दिखाया जाए, तो जो कि मैंने आपको पहले भी आपसे बोल चुका हूँ कि आज ग्रहण लगने वाला है, तो भैया जी आखिर वही समस्या हो गई। आप देख सकते हैं सारा पट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के पंडित जी ने बताया कि पट बंद हो जाते हैं 7-8 घंटे पहले। तो अब हमारे जाने से कोई फ़ायदा है नहीं बागेश्वर धाम, लेकिन फिर भी अपन लोग जाएंगे, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको वहाँ का सारा कुछ व्यू दिखाने वाले हैं, इसलिए आज हम बागेश्वर धाम जाएंगे, चाहे पट बंद हो जाए कुछ भी, शाम को खुलेगा नहीं फिर अपन लोग रात में रुक जाएंगे और कल आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये हमारे मित्र लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, आर्मी में हैं, तो वो भी यहाँ का व्यू देखना चाहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको दिखा रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, आप सो दोस्तों, अपन लोग वहाँ से आ चुके हैं सतना से और पन्ना पहुँचने वाले हैं। पन्ना से समथिंग 15 किलोमीटर के पहले है और यहाँ से पन्ना की दूरी समथिंग 15 किलोमीटर। तो अभी यहाँ हनुमान जी की एक बहुत अच्छी मंदिर मिल गई थी, तो वहाँ अपन लोग दर्शन करने लगे और दर्शन करने के बाद आपको बैक कैमरे से व्यू के माध्यम से दिखा देते हैं यहाँ का सारा कुछ। बाकी अब यहाँ से अपन लोग निकलेंगे बागेश्वर धाम के लिए, तो आपको पूरा वाई रोड जितना भी है सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। भगवान के पास भगवान का चावा। सो भैया जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पन्ना से 10 किलोमीटर आगे और ये पन्ना घाटी है और ये आपको महाकाल भैरव मंदिर हमें मिल गई, तो हम दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद ये यहाँ से घाटी आप देख सकते हैं प्रारंभ होती है और हमको चलना है। ये क्षेत्र आपको सुने होंगे, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ खीरे की खदान भी है। तो भैया जी यहाँ से हम चलेंगे, तो हम सोचे क्यों ना महाकाल जी के काल भैरव के दर्शन कराया जाए आपको, और भैया जी ये आप काल भैरव के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए। हम आप लोगों को अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तो आप भी
भैया जी हम पहुंच चुके हैं पन्ना घाटी पे। आप देख सकते हैं यहाँ गहराई कितनी खतरनाक है और हम चलते हुए व्यू ले रहे हैं। तो भैया जी इतने अच्छे से क्लियरिटी से हम नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, फिर भी जितना हो सकता हमें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया जी आप देख सकते हैं ये पूरी घाटी नीचे की ओर जा रहे हैं अपन लोग। जैसे ही ऊपर की तरफ आए हैं पूरा पहाड़ चढ़ के, उसी तरह अपन लोग नीचे साइड जा रहे हैं। तो ये जंगली जानवरों से घिरा हुआ इलाका होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। सो भैया जी आपको जितनी प्यारी ये घाटी लग रही है उससे भी कहीं अच्छी ये घाटी आप जब लाइव देखोगे उससे भी कहीं अच्छा यहाँ व्यू देखने को आपको मिलेगा। तो भैया जी हम आपको यहाँ दिखाते चल रहे हैं क्योंकि हमारी वॉइस यहाँ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी, क्योंकि इस समय क्या है कि ढलान है, इसलिए हमारी बाइक जो है बुलेट वो साउंड नहीं कर रही है, जिसके कारण हम बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। इसलिए भैया जी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं पूरी ढलाई है, पूरी पन्ना की घाटी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बगल में लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि वहाँ से कितनी नीचे ढलाई है। जैसे ही अपन ऊपर पूरा पहाड़ चढ़ के आए वैसे ढलाई के माध्यम से अपन नीचे जाएंगे। और ये छतरपुर मार्ग में पड़ता है पन्ना से छतरपुर। जब भी आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो बागेश्वर धाम जाते टाइम आपको ये घाटी ज़रूर मिलेगी, अगर आप पन्ना साइड से आते हैं तो। अगर आप झांसी साइड से आते हैं, ग्वालियर साइड से आते हैं, अगर आप आगरा साइड से आते हैं, यूपी साइड से आते हैं, दिल्ली साइड से आते हैं, तो आपको ये घाटी देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको फिर आना पड़ेगा पन्ना। तो भैया जी ये पन्ना से साइड से, अगर आप सतना साइड से, रीवा साइड से, आप इधर साइड से अगर जाते हैं तो आपको ये घाटी देखने को मिलेगी। तो भैया जी कोई नहीं, आप बने रहिए हमारी वीडियो में अपने भाई के साथ। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं और अच्छी अच्छी खूबसूरत वादियाँ, अच्छे अच्छे व्यू, अच्छा अच्छा मौसम। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिए, हम चलते हैं लेके आगे और बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के आपके दर्शन कराते हैं, बालाजी सरकार के, जो कि बालाजी सरकार आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हो सकता है कि आप लोग प्यार दिए तो बालाजी की कृपा से हमारा वीडियो भी चलेगा, हमारा यूट्यूब चैनल भी चलेगा। तो बस आपका प्यार चाहिए हमें और कुछ नहीं भैया जी। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए अपने भाई पे और हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते चलते हैं सारा कुछ यहाँ का दृश्य। सो भैया ये हमें मिल गई है केन नदी। केन नदी बहुत फेमस नदी है, आप इसे कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे नाम और इसका कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर हुआ होगा आपके लाइफ में। तो ये हमें छतरपुर मार्ग में मिलती है भैया जी, तो हम आपको दर्शन करा दिए, अब चलते। सो भैया जी हम आ चुके हैं पन्ना और छतरपुर हाईवे पे। आप हाईवे पे देख सकते हैं जब भी आप जाएंगे तो आपको ये टावर देखने को मिलेगा हाईवे के किनारे, जो कि छतरपुर से 20 से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो भैया जी ये टावर आप देखेंगे, जस्ट इस टावर के बगल से आपको बागेश्वर धाम के लिए यहीं से मुड़ना है और आपको यहीं से मुड़ना पड़ेगा। तो भैया जी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जब भी आएँ तो आप इस टावर को ज़रूर ध्यान रखिए, ये टावर ही मेन जो यहाँ के जाने का रास्ता है, आपको यहीं से आपको मिलेगा। तो भैया जी यहाँ से चलिए आप चलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से अपन लोग मुड़ेंगे। तो भैया जी आप देख सकते हैं यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी की फ़ोटो लगी हुई है, जो कि वहाँ के भक्त हैं, पुजारी हैं, जो भी हैं और कथावाचक हैं। तो भैया जी ये देख सकते हैं ये बागेश्वर धाम के लिए अपन लोग मुड़ चुके हैं और यहाँ से जब भी जाएंगे तो उस टावर को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वो टावर आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको उस टावर के माध्यम से यहाँ से मुड़ सकते हैं। ये सारे भक्तगण हैं जो कि बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं पैदल पद यात्रा। तो भैया जी हम चलते हैं, अब चल के आपको बागेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं। तो बाई रोड इसीलिए मैं आपको सारा कुछ व्यू दिखाता चल रहा हूँ भैया जी, ताकि जब भी आप आएँ तो आपको कोई ऐसी समस्या। सो भैया जी जैसे ही आप छतरपुर हाईवे से मुड़ेंगे बागेश्वर धाम के लिए, तो आपको कुछ ऐसे दो तीन पहाड़ देखने को मिलेगी जो कि एकदम से व्हाइट कलर में हैं। तो यहाँ से आप समथिंग बागेश्वर धाम की दूरी समथिंग आप मान के चलिए 2 से 3 किलोमीटर और बचे हैं। तो ये पूरा पिछड़ा इलाका एक प्रकार से कहा जाए तो था, लेकिन बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा से आज ये पूरे विश्व में अपनी जय जयकारा गूंज लगा रहा है। तो भैया जी यहाँ से अब हम पहुँचने वाले हैं बागेश्वर धाम। सो भैया जी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम बालाजी की सरकार की भूमि में। आपका हार्दिक स्वागत है, बंदा ने अभिनंदन। तो भैया जी यहां से 400 मीटर की दूरी पे है बालाजी की मंदिर और भैया जी आपको यहां बालाजी के दर्शन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय।